हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज की सुन बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। आप क्या करेंगे, अपने जो है मोबाइल में ओपन कर लेंगे गूगल, ठीक है। और गूगल में आपको क्या करना है, सर्च करना है। सिंपली क्या सर्च करेंगे, पीएमएस। गूगल में जाएंगे, पीएमएस सर्च करेंगे, पीएमएस ऑनलाइन। तो आपके सामने एक वेबसाइट दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैं स्क्रीन लगा दूंगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, पहले क्या था कि 2019, 20 और 2021 के लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज कर दिया गया था। आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो क्लोज आपको दिख रहा था कि आप जो है रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको 15 दिन का और जो है समय दे दिया गया है। अब क्या दिया गया, देखिए बोला गया है कि 2019-20 और 2021 रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट विल क्लोज ऑन 15/11/2021 एंड 21-22 रजिस्ट्रेशन विल क्लोज ऑन 30/11/2021। तो अब जो है आप 15 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग पिछले सत्र के लिए आवेदन देना चाहते हैं 19-20 के लिए और 2021 के लिए। लेकिन 15 तारीख तक ही आपको यहाँ पे अवसर दिया जा रहा है। 31 तारीख तक ही था, लेकिन उसे जो फिर से 15 दिन का और मौका दे दिया गया आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो लोग 21-22 के लिए आवेदन देना चाहते हैं उनके लिए 30/11 रहने वाला है, यानी सबका रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो जाएगा 30/11/2021 तक क्लोज हो जाएगा। आप लोग अगर आवेदन देना चाहते हैं तो 30/11/2021 के पहले पहले आवेदन दे सकते हैं 21-22 सेशन के लिए। और पुराने वाले जो है 2021 और 19-20 वो जो है 15/11 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 15 दिन का और जो है एक्स्ट्रा समय मिल चुका है। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो है अपडेट निकल के आ रही थी आप सभी के लिए। और मैंने लगातार वीडियो बनाया हुआ है आप सभी के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। कोई और भी आपको मन में डाउट्स है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आप लोग को उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बोनाफाइड कैसे बनाते हैं, आपका सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करनी होती है, ये सारे तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको कैसे देखना है वीडियो मेरी, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो यूट्यूब ओपन करेंगे और यूट्यूब में जाके आपको सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ठीक है। इतना आप सर्च करेंगे और आप चैनल पे चले जाएंगे। उसके बाद से आपको जो प्लेलिस्ट ढूंढना है, प्लेलिस्ट में ऊपर में आपको देखिए इस तरह से प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने वीडियो पर भी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद से यहाँ पे आपको जो है आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ये वाला प्लेलिस्ट, आप जो है 13 वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बारी बारी से पोस्ट मैट्रिक का जितना भी होता है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख लेंगे और इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और सही से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 1 महीने के अंदर आपको जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है पैसा आपके अकाउंट में सरकार द्वारा भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।